हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेड मूविंग एवरेज मेथड ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है, मॉडिफाइड वर्सन है मूविंग एवरेज मेथड का, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेट दिया रहता है। वेट को हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जैसे मीन में था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे वेट दिया रहेगा, वेट से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू यूजिंग वेटेड मूविंग एवरेज यूजिंग वेट। वेट यहाँ पे तीन दिया हुआ है, थ्री वेट देने का मतलब थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है, और अगर फोर वेट्स दिया है मतलब वहाँ पे फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालना। अब थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे कैसे, थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया हुआ है, टाइम सीरीज में कोई भी मेथड वहाँ दो तरह से क्वेश्चन मिलेगा, एक ऑड ईयर का और एक इवन ईयर का। यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है ऑड ईयर का है, ठीक है। तो ऑड ईयर में होता है क्या, एवरेज तीन साल का, तीन साल का एवरेज निकालेंगे और हमेशा मिडिल में जाएगा, मतलब इस पार्टिकुलर ईयर में जाएगा, ठीक है। और इवन ईयर में क्या होता है, जैसे चार साल का एवरेज निकालने बोला तो दो साल के बीच में आ जाता है। बस ये बात ध्यान रखना, ये हम लोग का ऑड ईयर का क्वेश्चन है। एवरेज कहाँ लिखेंगे, तीन साल के बीच में। प्रोसेस बिल्कुल मूविंग एवरेज वाला, पहला वैल्यू 40, दूसरा वैल्यू 50, तीसरा वैल्यू 60। थ्री ईयर का हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज निकालना, तो वेट से इंटू करके फिर एवरेज निकालेंगे। वेट कितना है, वन पहला, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर से वन इंटू किए, दूसरा वैल्यू हम लोग का 50, 50 से टू इंटू होगा सेकेंड वेट, और तीसरा वैल्यू हो गया 60, 60 से वन इंटू होगा, वेट से इंटू करना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए वेट का सम से ही डिवाइड करेंगे, ये हो गया हम लोग का वेटेड एवरेज। बिल्कुल यही प्रोसेस हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडेक्स नंबर में फॉलो करते थे, वेट से मल्टीप्लाई करना, वेट का सम से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज आएगा 40 प्लस 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 4, 200 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 50, ये हो गया हम लोग का ट्रेंड वैल्यू, ठीक है पहला। उसके बाद अगेन नेक्स्ट थ्री ईयर्स का मूविंग में होता है क्या, एक एक साल छोड़ते जाना है, तो फर्स्ट ईयर छोड़ेंगे, उसके बाद तीन साल का एवरेज 50 पहला, 60 दूसरा, तीसरा 70 वैल्यू, वेट से मल्टीप्लाई करके फिर एवरेज निकालना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया वेटेड एवरेज 50 प्लस 120 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 4, टोटल हो गया 190, 240 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 60 आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्री इयर्स का 50 तक हो गया, 50 के बाद 60, 70, 80, 60 इंटू 1, 70 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, तो वेटेड एवरेज आएगा 60 प्लस 140 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया हम लोग का 280 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 70। एंड लास्ट होगा हम लोग का 70 इंटू 1, 80 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 70 प्लस 160 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, 80 है। उसके बाद तीन साल तो है नहीं, तो हम लोग आगे वेटेड एवरेज नहीं निकलेगा, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। अब स्टार्ट करते हैं ऑड ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू यूजिंग वेटेड मूविंग एवरेज यूजिंग वेट, यहाँ वेट चार दिया हुआ, 2, 1, 2, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना वेटेड एवरेज, लेकिन वो भी ईयर जो है यहाँ पे इवन है, चार साल है, तो चार साल का एवरेज कैसे निकाल, चार साल का वैल्यू लेंगे, लेकिन एवरेज कहाँ जाएगा, बीच में चला जाएगा, जैसे कि मूविंग एवरेज में हुआ था। इवन ईयर में हम लोग एवरेज दो साल के बीच में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ फोर ईयर्स कौन सा, 40, 50, 60 और 70, एवरेज कहाँ जाएगा, चार साल के बिल्कुल बीच में, एवरेज का मतलब बिल्कुल मिडिल में लिखना है, तो चार साल के मिडिल में तो यही जा रहा है, यहाँ एवरेज लिखेंगे, ठीक है। तो ये निकला हम लोग का फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज चार साल का, पहला 40 इंटू पहला वेटेड 2, 50 इंटू 1, फिर 60 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। एवरेज आएगा 80, 50, 120, 70 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ हो गया एवरेज 80, 50, 120 एंड 70, 320 डिवाइडेड बाय 6, ये फिर जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 6,
53.33। उसके बाद नेक्स्ट फोर इयर्स का पहला साल छोड़ देना, उसके बाद 50, 60, 70 और 80। 50 × 2 वेयर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 60 × 1 प्लस 70 × 2 प्लस 80 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 2 + 1। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 100 + 60 + 140 और 80 डिवाइडेड बाई 6। तो हो जाएगा 160 + 140 + 80 / 6 63.33। फिर नेक्स्ट एवरेज 60, यहाँ स्टार्ट कर 60, 70, 80 और 90। 60 × 2 70 × 1 80 × 2 प्लस 90 × 1 ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 2 + 1 वेट से मल्टीप्लाई करना है, वेट से डिवाइड करना है। यहाँ पर 120, 70, 160 और 90 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 73.33 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर इयर्स का यहाँ स्टार्ट करें 70, 80, 90 और 100। 70 × 2 80 × 1 90 × 2 + 100 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 2 + 1 140, 80, 180 और 100 डिवाइडेड बाई 6 ठीक है। तो यहाँ एवरेज आ जाएगा 83.33। तो ये हम लोग का फोर ईयर वेटेड मूविंग एवरेज, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एवरेज निकला है, एवरेज मतलब यहाँ ट्रेंड वेल, ट्रेंड वेल जो निकला दो साल के बीच में गया, हम लोग को उसको एक पार्टिकुलर ईयर में लेके आना होता। तो मूविंग एवरेज में क्या करते थे, सेंटर करते थे, यहाँ भी हम लोग सेंटर करेंगे। तो सेंटर कैसे होगा, फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज सेंटर, एक सेंटर कॉलम बनेगा, फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज सेंटर। और सेंटर में करना है क्या है, सिर्फ दो साल का ही वैल्यू लेना है जो वेटेड एवरेज निकला है, दो साल का वैल्यू को एवरेज करना, सम करके डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। तो 53.33 प्लस 63.33 डिवाइडेड बाय 2 58.33। फिर नेक्स्ट टू इयर्स का वैल्यू 63.33 प्लस 73.33 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 68.33। फिर नेक्स्ट टू इयर्स का 73.33 प्लस 83.33 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हम लोग का 78.33 ठीक है। ये तो ये हम लोग का फोर ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज सेंटर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर ठीक है। ये तो ये हम लोग का मूविंग एवरेज मेथड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस।